लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीदी, गुड मॉर्निंग। तुम फिर चलने फिरने लग गई? अभी तक आपका पैर पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है। ओफो, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये देखो। है ना पागल। दीदी, ये कलर आपको बहुत सूट होता है। यू आर लुकिंग ग्रेट। अच्छा आरती, ऐसा करो, ये फ्रूट और जूस आप उन्हें दे आओ। मैं तुम्हें दे आओ ना दीदी, मुझे डर लगता है। अच्छा, प्यार करते वक्त डर नहीं लगा था? प्यार में इजहार किए बगैर कोई किसी को कैसे पा सकता है? जैकी तुम्हें प्यार करता है और इजहार भी कर चुका है, और एक तुम हो जो उसे पसंद करती हो मगर इजहार नहीं करती। अब मैं तुम्हें कैसे समझाऊं दीदी, वो जब भी सामने आता है दिल की धड़कन थक 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 एकदम तेज हो जाती है, पैर भी कांपने लगते हैं, और जो बात कहना चाहती हूँ वो गले में ही फंस जाती है। ऐसा क्यों होता है दीदी? अरे प्यार का इजहार करने के तो कई रास्ते होते हैं, जैसे जैसे शायरी आती है, कोई रोमांटिक पोएट्री आती है, नहीं अच्छा चलो कोई फिल्मी गीत ही चलेगा, जैसे सुन साहबा सुन प्यार की धुन, हो मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन 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 चुन। ये तो नई फिल्म का गाना है और मैं तो पुरानी फिल्में देखती हूँ। उफ, कुछ भी गा लेकिन गा। अरे कमाल है। मैंने आपसे पहले कहा था दीदी, ये प्यार वार मेरे पास का रोग नहीं है। मैं चली। निचले की आवाज ले समझा उसको। पर गुरदार, तुम्हारा ये अंदाज भी खूब रहा, देखते ही देखते तुमने हमारे घर की रौनक को अपने घर की जीनत बना दिया। पहले पल दो पल का साथ, अब जीवन भर का साथ बन गया, और वो भी इतनी तेज रफ्तार से। तुम भी बड़ी पहुंची हुई चीज निकले। क्या करो सर, आप ही का शागिर्द। हाँ भाई, अगर ये गुण हम में होता तो आज हम कुंवारे थोड़ी होते। तुम लोग बाहर रहो। चलिए, वही पुलिस कमिश्नर सक्सेना है जिनका मास्क बनाने के लिए मुझे होम मिनिस्टर राव ने बुलाया था। लेकिन कुछ भी कहो यार, तुम एक चुनौती चूक गए। आफ्टर ऑल इट वॉज फॉर अ नेशनल कॉज। मैं समझता हूँ सर, लेकिन पता नहीं क्यों दिल गवारा नहीं किया। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है। हेलो, चलो चलो जल्दी चलो।
Are you all right, sir? It's all right, it's all right. बहुत बहुत शुक्रिया मेरे दोस्त, तुमने मेरी जान बचाई. God bless you. जैकी, मैं तुमसे फिर कहता हूं, तुम ये चुनौती स्वीकार कर लो. तो इस चुनौती को तुम स्वीकार करते हो? जी सर. अरे श्योर मिस्टर जैकी? जी सर. आज मेरी आंखों के सामने कमिश्नर सक्सेना पर हमला हुआ, मैं ये काम करने के लिए तैयार हूं सर. थैंक्स थैंक्स मिस्टर जैकी, ये तुम्हारा एहसान रहेगा मुझ पर. मैं सब बंदोबस्त कर देता हूं. ओके एंड थैंक्स अगेन. ओके. हमारा प्लान कामयाब हो गया है सक्सेना. अब इसकी कोई जरूरत नहीं है. जी हां. कामयाबी के बहुत करीब पहुंच गए सक्सेना. तुम्हारा मास 3 दिन में तैयार हो जाएगा और 25 जुलाई को रात को 12:30 बजे जैकी नकली मास्क पहने हुए सक्सेना को होटल फ्लोरा में शूट कर देगा और सक्सेना हमेशा हमेशा के लिए दुनिया की नजरों में मर जाएगा, यानी कि तुम. लेकिन दूसरे ही दिन तुम स्विट्जरलैंड पहुंचकर मेरा इंतजार करोगे. ठीक 2 महीने के बाद मेरी होम मिनिस्ट्री की नौकरी खत्म हो जाती है, मैं भी सीधा वहां आ जाता हूं और बैंक के कोड नंबर और अकाउंट नंबर तो सब तुम्हारे पास है ही. सारा धन बैंक से ड्रॉ करके आपस में बांट के चैन की जिंदगी बसर करेंगे. मुझे फक्र है जैकी, तुमने बखूबी इस काम को अंजाम दिया. ये महज एक काम ही नहीं, एक मिशन भी है. ये मिशन तभी कामयाब होगा जब मास्क पहनने वाला आदमी परफेक्ट होगा. मतलब ये काम तुम बीच पब्लिक में करोगे और जो आदमी मास्क पहनेगा उसे टाइमिंग का सेंस होना बहुत जरूरी है. एंड ट्यूनिंग टू. भाई मैं निशा से सहमत हूँ. जैकी, इस काम में मैं तुम्हारा हाथ बटाऊंगा, मास्क मैं पहनूंगा. आप ये मास्क पहनेंगे? नहीं सर, ये रिस्क मैं नहीं ले सकता. व्हाई नॉट जैकी? फॉर गॉड्स सेक निशा, मुझे अपना काम करने दो. जैकी, तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं? लेकिन सर, आई अंडरस्टैंड. तुम फिक्र मत करो, कल रिहर्सल के बाद तुम खुद फैसला कर लेना.
फैंटास्टिक माय गॉड व्हाट परफेक्शन नकली गोलियों से कितने अच्छे इफेक्ट एक पल तो मुझे ऐसा लगा जैसे वाकई सक्सेना का खून हो गया है क्यों सक्सेना क्यों भी कुछ कमी थी क्या फर्स्ट क्लास था ना सर लगी तो नहीं परफेक्टली ऑल राइट वाज द टाइमिंग ओके सर लिटिल थोड़ा फास्ट गिरना पड़ेगा थोड़ा जल्दी गिरना पड़ेगा ओके सर मैं जरा चेंज करके आऊं ओके सर एनी सजेशन सर सिर्फ एक मिस्टर जैकी आप ये काम पब्लिक प्लेस में करने वाले हैं तो मैं ये चाहता हूँ कि आपकी सेफ्टी के लिए अगर आप भेष बदल लेंगे तो बेहतर होगा यू नो दाढ़ी वगैरह ओके सर और जगह और तारीख तो याद है ना 25 जुलाई होटल फ्लोरा रात 12 बजे दैट्स राइट विजय कुमार अलग गाड़ी से रवाना होंगे और गुलशन आपको यहीं से पिकअप कर लेगा ओके ओके ऑल द बेस्ट थैंक यू सर सर कमिश्नर साहब कुछ परेशान से हैं आपसे बात करना चाहते हैं